हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, देखो सिर्फ कंज्यूमर थ्योरी दी हुई है। यानी कि सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद में हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं किसी एक इकोनॉमी की वो देखनी है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, और इसी के साथ हम देख लेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी। उसके बाद में है कंज्यूमर थ्योरी में डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच से। इन डिफरेंस कर वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। देखो डिटेल्ड में माइक्रो और मैक्रो का कंपैरिजन मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में करवा रखा है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो। देखो माइक्रो का मीनिंग होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऑपरेट कर रही है किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल। अब वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हो सकता है, और एक पर्टिकुलर कमोडिटी हो सकती है। ठीक है, एक कंज्यूमर है उसमें हम क्या फोकस रखेंगे कि हमारा टारगेट रहना चाहिए यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का। यूटिलिटी क्या है, तो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से, उसको मेजर करने की एक यूनिट है। प्रोड्यूसर के केस में क्या होगा कि प्रॉफिट है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अर्न हो। और कमोडिटी के केस में डिमांड और सप्लाई दोनों की हेल्प से इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल होती हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। कौन कौन से टूल्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई। अब देखो कि तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज क्यों होती हैं, किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है, सबसे पहले वो देखते हैं। पहला फैक्टर है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे पास और हमारी वॉन्ट्स क्या हैं, अनलिमिटेड। तो हमारे पास अगर 1 हेक्टेयर का कोई प्लॉट है तो वो रिसोर्स तो हमारे हो गए अनलिमिटेड, और हमारी वॉन्ट्स क्या हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं उस पर बहुत सारा, ताकि बहुत ज़्यादा सेल हो जाए और हमें बहुत सारी इनकम मिल जाए। तो ये सारी वॉन्ट्स हैं ये तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसके अलावा देखो ये 1 हेक्टेयर का प्लॉट है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी किया जा सकता है और वहाँ पे क्लोथिंग के लिए कोई एक फैक्ट्री भी लगाई जा सकती है। यानी कि ये रिसोर्सेज हैं, इनका अल्टरनेट यूज़ भी है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि बेस्ट वे क्या होगा, बेस्ट वे क्या होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है या फिर क्लोथिंग री एस्टैब्लिश करना हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उनके रीजंस क्या कहे हैं, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों की कमी,
और अनलिमिटेड हमारी वॉन्ट्स हैं और एक ही रिसोर्स है, उसके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि बेस्ट वे क्या होगा उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने का। अब है सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस किया जाए। देखो दो टाइप से इसका आंसर दिया जा सकता है, एक तो वो कमोडिटीज जिनकी मार्केट में क्या हो, डिमांड हो, उनको प्रोड्यूस किया जाए, और दूसरी है ऐसी कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाए जो क्या हो, सोशल वेलफेयर है उसको इंक्रीज। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स हैं वो ज़्यादा ऑपरेट कर रही हैं, वो तो डिमांड के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी, और जहाँ पे गवर्नमेंट वेलफेयर को अचीव करना चाहती है वहाँ पे सोशल वेलफेयर की गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो क्या प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम या फिर हमारी प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद में है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इसके भी दो तरीके हैं। देखो एक तो ये हो सकता है कि हम कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करें, कैपिटल यानी कि जो हमारी मशीन्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा है कि हम किसका यूज करें, जो लेबर है उसका ज़्यादा यूज करें। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है कैपिटल की हेल्प से ज़्यादा तो उसको हम कहेंगे कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि कैपिटल का ज़्यादा यूज हो रहा है, और अगर लेबर ज़्यादा यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। अब अगर मशीन से कॉस्ट कम आ रही है तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का। वहीं अगर हमारा टारगेट है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, देखो यहाँ पे है प्रॉफिट का मोटिव और यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने की प्रायोरिटी है तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, या फिर जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये कि जिसके पास परचेज करने की पावर है, यानी कि परचेजिंग पावर के हिसाब से जिसके पास जितने पैसे होंगे या फिर जितना विलिंग है कोई आदमी पे करने के लिए, उस हिसाब से उसको वो गुड डिस्ट्रीब्यूट की जाए। दूसरा है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उसको उसकी ज़रूरत कितनी है, नीड कितनी है, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ मोटिव आ रहा है हमारा वेलफेयर का, तो हम क्या करेंगे, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की ट्राई करेंगे। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं, कैसे प्रोडक्शन किया, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन कैसे किया जाए, और जो प्रोडक्शन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो इस नेम को ब्रेक करके देखो, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात चल रही है पहली बात। दूसरी बात पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट, हम या कमोडिटी एक्स या फिर कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब एक्स एप्पल हो सकती है और वाई हमारे बनाना हो सकते हैं, तो या तो हम 10 यूनिट एक्स की प्रोड्यूस कर लें
या फिर हम 20 यूनिट वाई की प्रोड्यूस कर लें, यानी कि 10 और 20 कर लें, या फिर एक्स की अगर हम यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई की यूनिट है वो डिक्रीज कर दें हम। फिर से अगर एक्स की यूनिट इंक्रीज करनी है तो वाई की यूनिट हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। यानी कि अगर एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, दूसरे का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो शेड्यूल है, इसको शेड्यूल यानी कि टेबुलर फॉर्म में है तब तो हम इसको कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, और अगर इसी को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बात समझ में आई, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये चार पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास जिनसे प्रोडक्शन कैरी आउट किया जा सकता है, उसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें। यहाँ पे है हमारी गुड एक्स और यहाँ पे है गुड वाई, आप प्लॉट करके देख लेना आपका कर्व आएगा इस तरीके से कॉनकेव। ठीक है, और दूसरी फीचर इसकी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन क्या है, क्योंकि अगर एक का प्रोडक्शन हम, अगर यहाँ पे हमारी है वाई की यूनिट 20 और एक्स की यूनिट है 10, अगर हम एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं यानी कि 11 करना चाहते हैं, तो सेकेंड गुड है उसका प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उस वजह से हमारा कर्व क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। हो गई कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पहली फीचर हो गई कि वो किस शेप का है, वो है आपका कॉनकेव शेप का। थर्ड फीचर की बात करें, देखो दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स लेता हूं मैं, एक पॉइंट यहां पे है, यानी कि एक्स की तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो ही रही है, वाई की क्या हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैक्सिमम हमारे पास क्या है कि एक्स की अगर हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम वाई की कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 20, यानी कि 10 का प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे हैं, 10 गुड्स को प्रोड्यूस कर सके उतने रिसोर्सेस हमारे क्या है, अनयूटिलाइज्ड है। तो यहाँ पे हम अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर कोई पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं हमारे अंडर यूटिलाइज्ड। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उसके अंदर कोई पॉइंट हो उस पे प्रोडक्शन कैरी आउट किया जा सकता है, कैरी आउट किया जा सकता है यानी कि प्रोडक्शन फिजिबल है, उसके अंदर कोई पॉइंट है पीपीसी के अंदर, वहां पे प्रोडक्शन फिजिबल है, प्रोडक्शन आराम से कैरी आउट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या रहेंगे, रिसोर्सेज रहेंगे अंडर यूटिलाइज। वहीं अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे अगर मूव करें तो क्या हो रहा है, देखो कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर अगर आप मूव करोगे तो रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन। अब थर्ड सिचुएशन हो सकती है कि हम कोई पॉइंट लें यहाँ पे, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर कोई पॉइंट लें, यानी कि पॉसिबिलिटी से बाहर कोई पॉइंट ले रहे हैं। देखो वाई की 19 यूनिट्स हैं, उसके साथ क्या 11 से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 11 से कम ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा है, सपोज 11 से यहाँ पे 20 पे पॉइंट आ रहा है, यानी कि 19 यूनिट्स वाई की और 20 यूनिट्स एक्स की हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या है, अनफिजिबल, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसके बाहर कोई भी प्रोडक्शन।
अब अगर हम बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उससे किसी एक बाहर पॉइंट पे, तो क्या वहाँ पे प्रोडक्शन कैरी आउट किया जा सकता है? बाहर कोई पॉइंट लेंगे उसका मतलब क्या हुआ कि वाई की अगर हम 19 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उसके साथ 11 से कोई लार्जर वैल्यू यानी कि 20, क्या 20x का प्रोडक्शन किया जा सकता है? देखो 19 अगर वाई की कर रहे हैं तो मैक्सिमम एक्स का प्रोडक्शन सिर्फ 11 यूनिट्स का किया जा सकता है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उससे बाहर का कोई भी पॉइंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, अनफिजिबल या फिर अनअटेनेबल, यानी कि उसको अटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉइंट रहेगा हमारा अनअटेनेबल। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर या फिर उसके अंदर कोई पॉइंट होगा वो हमारे लिए फिजिबल या फिर अटेनेबल रहेगा। अगर अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रिसोर्सेज रहेंगे अंडर यूटिलाइज्ड, तो ये हुआ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब एक बात है कि ये कॉनकेव ही क्यों आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक्स की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको वाई की कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी कि अगर आप एक काम करते हो उसको करने के लिए आपको क्या फॉरगिव करना पड़ा, यानी कि क्या आपको छोड़ना पड़ा, क्या फॉरगो करना पड़ा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो अभी आप क्लास ले रहे हो, क्लास के अलावा आपका बेस्ट अल्टरनेट क्या हो सकता था कि आप कहीं मूवी देख सकते थे, तो आपकी क्लास अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि आपका जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो क्या है, मूवी ना देखने की जो कॉस्ट है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज हमारे सूटेबल हैं सपोज वाई के लिए और हम प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं एक्स का, तो हर बार हमें क्या है कि वाई के लिए सूटेबल है एक्स के लिए अनसूटेबल है रिसोर्सेज, तो एक्स की हर बार एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज रिलीज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि रिसोर्सेज हमारे एक्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगर ज़्यादा रिसोर्सेज हर बार रिलीज करने पड़ेंगे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 पे आते टाइम, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि वाई को प्रोड्यूस करने की जो लॉस है वो पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट और फिर 3 यूनिट, यानी कि 20 से 1 यूनिट कम हुई पहले, फिर रिसोर्सेज और ज़्यादा रिलीज करने पड़े तो 2 यूनिट्स कम हुई वाई की, उसके बाद में और ज़्यादा रिलीज करने पड़े तो 3 यूनिट्स हमारी क्या हो रही है, वाई की कम हो रही है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या आ रहा है, कॉनकेव आ रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्ट्रेट लाइन तब होगा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कॉन्स्टेंट होगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या दिखाता है ये, प्रोडक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें चेंज कैसे कैसे हो सकता है। देखो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पे एक्स कमोडिटी, यहाँ पे वाई कमोडिटी। अब देखो पहला केस लेते हैं हम कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है किसके केस में, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक्स गुड को प्रोड्यूस करने में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि उतने ही रिसोर्सेज में हम एक्स की ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाई की उतनी ही यूनिट है क्योंकि वाई के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि हर पॉइंट पे एक्स की यूनिट है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे इस पॉइंट से यहाँ आ गए, यानी कि हर पॉइंट पे एक्स का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किसकी तरफ रोटेट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है किसकी तरफ, एक्स कमोडिटी या एक्स एक्सिस की तरफ।
तरफ, यानी कि जिस कॉमोडिटी में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा उसकी तरफ रोटेट हो जाएगा। ये हुई पहली सिचुएशन। अब देखो दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा हो हमारा, कौन सी कॉमोडिटी के केस में, वाई कॉमोडिटी के केस में हो रहा हो, तब क्या होगा। देखो ये हमारा इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अगर वाई के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी कि उतने ही रिसोर्सेज में हम वाई की ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हर पॉइंट पे वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पहले 20 हो रहा था तो अब 25 हो जाएगा, पहले अगर 23 हो रहा था तो अब 30 हो जाएगा। यानी कि जिस कॉमोडिटी में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसकी तरफ रोटेट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट कैसे हो सकता है। ये है इनिशियल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ एक्स कॉमोडिटी, यहाँ वाई कॉमोडिटी। अब देखो पहला ऑप्शन में देता हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो उस रिसोर्स से हम एक्स और वाई हमारी जो कमोडिटी हैं उन दोनों का ये प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि हर पॉइंट पे क्या होगा, हर पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आउटसाइड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड या फिर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सेकंड केस में अगर हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहे हो, रिसोर्सेज हो रहे हो हमारे डिक्रीज, तो एक्स और वाई दोनों ही कॉमोडिटीज का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे कम हो जाएगा। तो रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ्ट वर्ड या फिर इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो ये है आपका पहला चैप्टर जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और हमने बेसिक तीन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए ग्रेट डे।